ऑफ सूट, सेक्शन 27, 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट, 26 इज अ मोर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. नेक्स्ट सेक्शन समन एंड डिस्कवरी, डिस्कवरी सेक्शंस 27 समन्स टू डिफेंडेंट्स, और 28 सेक्शन इज अ सर्वर सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अदर स्टेट. सेक्शन 29 इज अ सर्विस ऑफ फॉरनर फॉरन समन्स. 30 सेक्शंस ऑफ सीबीसी पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक. सेक्शन 31 इज समन टू विटनेस, और सेक्शन 32 इज अ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट. नेक्स्ट इज अ जजमेंट एंड डिग्री, जजमेंट इज अ डिग्री एंड जजमेंट ऑफ डिग्री इज 33 सेक्शंस. इंटरेस्ट इज अ 34 इज अ सेक्शन इज अ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 34. कॉस्ट इज अ 35 सेक्शंस ऑफ सीपीसी. सेक्शन 35 इज अ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स वेक्सटेशियस क्लेम और डिफेंस और डिफेंसिस. 35 बी इज अ कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले. पार्ट टू इज अ सेकेंड एक्सिक्यूशन जनरल इज अ पार्ट टू, भाग दो कह सकते हैं, भाग दो एग्जीक्यूशंस इन जनरल. 36 इज एप्लीकेशन और ऑर्डर. 37 इज डेफिनेशन, 37 इज अ डेफिनेशन कोड ऑफ विच पास डिग्री. 30 कोर्ट्स बाय विच डिग्री मे बी एक्सिक्यूटेड. 38 इज अ कोर्ट बाय डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड. 39 इज अ ट्रांसफर ऑफ डिग्री, से अबाउट 39. और 40 इज अ सेक्शन ट्रांसफर ऑफ डिग्री कोड इन अदर स्टेट. सेक्शन 41 इज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड. और 42 इज अ पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर एंड डिग्री. नेक्स्ट 43 इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री पास्ड बाय द सिविल कोर्ट्स इन द प्लेस विच कोड डज नॉट एक्सटेंड. 44 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय द रेवेन्यू कोड इन प्लेस विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड. 44 इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोड इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी. और 45 इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इन इंडिया. 46 इज अ परसेप्ट्स. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव डिग्री. 47 इज अ क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिव डिग्री लिमिट टाइम फॉर द एग्जीक्यूशंस. 48 इज रिपील्ड एंड ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. 49 इज अ ट्रांसफेरी. 49 आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. 50 सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी सीपीसी मिस्टेक बाय मी. 50 सेक्शन सीपीसी इज से अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट 41 इज द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ इन्फोर्स एग्जीक्यूशन. 52 इज इन्फोर्स ऑफ एनफोर्समेंट डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. 53 इज द लाइबिलिटी असेंट्रल प्रॉपर्टी. 54 इज द पार्टीशन ऑफ एस्टेट एंड सेपरेशन ऑफ शेयर. नेक्स्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस. सेक्शन 55 इज द अरेस्ट एंड डिटेंशन. 56 इज द प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मनी. 57 इज द सब्सटेंस अलाउंस. 58 इज द डिटेंशन एंड रिलीज. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द 59 सेक्शंस रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अटैचमेंट. अटैचमेंट इज अ 60 सेक्शन अटैचमेंट. 61 इज अ पार्शियल एग्जम्पन्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. 62 इज अ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ ड्वेलिंग हाउस. 63 इज अ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स. 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू वॉइड. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अब द सेल. सेल मीन्स 55 परचेज टाइटल. 66 रिपील्ड एंड 67 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल और लैंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी. डेलीगेशन कलेक्टर फॉर ऑफ पावर टू एग्जीक्यूटिंग डिग्री. नेक्स्ट 68 इज रिपील्ड. 69 रिपील्ड. 70 रिपील्ड. 71 72 ऑल्सो रिपील्ड. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स. 73 इज अ प्रोसीडिंग एग्जीक्यूटिंग सेल्स वी रिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिग्री होल्डर्स एंड रेसिस्टेंस और एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूशंस. 74 इज रेसिस्टेंस एंड एग्जीक्यूशन. पार्ट 3 स्टार्टेड. पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग एंड कमीशंस.
75 Power Code Issue Commissions, 76 Commission to Another Code, 75 is a Power of Code Issue Commission, 76 Commission to Another Court, and 77 is a Letter of Request, 78 Commission Issued by the Foreign Court. Or next part 4, suits in the particular cases, suits by the against the government or public offences in the their official capacity, 79 is suit by the against the government, 80 notice, 81 exemptions from arrest and personal appearance, 82 is the execution decree suit by the alien alliance and the by against foreign rulers, ambassador and envoys. Next, 83 is a when alliance may sue, 84 is a when foreign state may sue, 85 persons specially appointed by the government to prosecute or defend on behalf of foreign ruler, 86 suits against foreign ruler, ambassador or envoys. Next, section 87 is a section style of foreign rulers or party suits, 87 is the definition of foreign state and ruler. Next, I am talking about the suits against ruler or former Indian state. 87B is the application of section 85-86 ruler from Indian state. Next, interpleader. 88 is the where interpleader suits may be instituted. Is an important section, this interpleader. Part 5 is a special proceeding, arbitration. Arbitation is started in 89. Settlement of disputes outside the court, 89 section. Outside settlement of dispute outside the court. This is a arbitration. A special case is power to state case opinion of court. 90 is a power to state case for opinion of court. Public nuisance and other wrongful acts affecting the public. Next, 91, public nuisance and other wrongful acts affecting the public. Public charities, 92. And 93, exercise of power advocate general outside presidency sound town. Next, part 6 is a supplement of proceeding. Section 94 is a supplemental proceeding. 95, compensation for obtaining arrest, attachment or injunction or insufficient ground. Part is a 7 is appeals. Appeals from the original degrees, 96 appeal from the original degree, 97 is the appeal from the final degree where no appeal from preliminary degree, 98 is a decision where appeal heard by two or more judge, 99 is a no degree to be reversed or modified for error, irregularities, no not affecting merits or jurisdiction, 99 no order under section 47 to reversed or modified unless decision of the cases in prejudicially affected appeals. Next is appeal from the appellate degrees. 100 section is the second appeal. 101 is a no further appeal in certain cases. 101 is a second appeal in no other ground. 102 is a no second appeal in a second certain cases. 130 is a power of high court determine cases effect. Appeal from order is a section 104 appeal from the appeal lies, order from which appeal lies. Other orders 105, 106 is the sections or which courts to hear appeals. General provision relating to appeals. Next, 107 or CPC is sections power to appellate court. 108 procedure in appeal from the appellate court, appellate degree and order. Next, I am talking about the appeals to the Supreme Court. 109 when appeals lie to Supreme Court. 110 is repealed and 111 is also repealed and 111A also repealed. 112 is a saving. Next part is a part 8 in reference review and revision. Section 113 is a reference to High Court. Next section is a 114 is a review and 115 is a revision. Next part is a Part 9 is a special provision relating to the High Courts not being a court, the Court of Judicial Commissioner. Next is the part is a one section 116, part 2 apply only the certain High Court. 117 application court to High Courts and 118 execution of degree before the ascertainment of court costs. Next 119 unauthorized person not to be addressed court. 120 is a provision not applicable to High Court to original civil jurisdictions.
Next rule is 121 is the effect of rules in first schedule. 122 is the power of certain high courts to make rules. 123 is a constitutional rule of committee in certain state. 144 is the committee to report high court. And 125 section of CPC power to other high court to courts or to make rules. Next, CPC section 126 is rules to be subject to approval. And 127 publication of rule. Next, 128 is a matter for which rules may be provided. Next, 129 power of high courts to make rules as their original civil procedure. Next, section 130 is the power of the other high court to make rules as to matter other than procedures. 131 is the publication of rules, important. Next part is our part number 11, miscellaneous. Miscellaneous 132 is the exemption of certain women from personal appearance. 133 is the exemptions of other persons. 134 is the arrest other than in execution of degree. 135 is the exemptions from arrest under civil process. 135 is the exemption of member of legislative bodies from arrest and detention under civil process. 136 is a procedure where person to be arrested or property to be attached is outside district. 137 is the language of subordinate courts. 138 is the power of high court to require evidence to be recorded in English. 100 is a recorded to be English is a power of high court to require evidence to be recorded in English is a 138 power to CPC. English mein wo kya kar sakta hai, record it kar sakta hai. 139 is a oath and oath on affidavit by the home to be administered. 140 is assessors in cause of salvage. 141 is a miscellaneous proceeding. And 142 orders and notices to be writing. Next section is the postage. 143 is a postage. 144 is application for restitutions. And 145 is enforcement of liability of surety. 146 is a proceeding by the against representatives. 147 is a consent or agreement by person under disability. And 148 is a enlargement of time. As also say 148 CPC sections is say that about enlargement of time. 148 right to lodge and caveat. 149 is a power to make deficiency court fees. Deficiency of court fees is 150 is a transfer of business. 151 is a saving inherent power of court. 152 section CPC amendment of judgment and decrees or order. 153 is a general power to amend. 153 is a power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed. 153 be a place for trial to be deemed to be open court. Next, 154 is repealed, 55 repealed, 56 is also repealed. These sections are repealed. 57 is a continuous of orders under repealed enactments. And 158 is reference to code of civil procedure and other repealed enactment. So these are sections of 158 is a section 1 to 158. These are sections of 151 एक से एक 158 तक ये सीपीसी के सारे सेक्शन हैं. देन नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑर्डर भी हैं. द फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है कि ऑर्डर दिए हैं. ऑर्डर वन पार्टीज टू सूट ऑर्डर वन में दिया है. फिर उसके बाद ऑर्डर टू दिया है. तो इसको भी देख लेते हैं. ऑर्डर वन में क्या दिया है. द फर्स्ट ऑर्डर में दिया है क्या पार्टीज टू सूट ऑर्डर हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ. ऑर्डर वन का रूल वन कहते हैं इसको. इनको रूल कहते हैं. ये रूल है रूल वन हु मे बी जॉइंड एज अ प्लेंटिफ. सेक्शन ऑर्डर वन का टू दिया पावर टू कोर्ट पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स. सेक्शन रूल थ्री कहता है हु मे बी जॉइंड एज अ डिफेंडेंट. रूल थ्री ए कहता है ऑर्डर वन रूल थ्री ए पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स फेयर जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट मे एम्ब्रेस ऑफ डिले ट्रायल. ऑर्डर फोर ऑर्डर वन का रूल फोर कहता है कोर्ट मे गिव जजमेंट फॉर अगेंस्ट ऑन मोर जॉइंट पार्टीज. ऑर्डर वन का रूल फाइव कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम्ड. एंड ऑर्डर वन का
रूल सिक्स कहता है जॉइनर ऑफ पार्टी लाइबल ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट। ऑर्डर वन का रूल सेवन कहता है व्हेन प्लेंटिफ टू व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम द होम रेड्रेस टू बी सॉट। ऑर्डर वन का रूल एट कहता है वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑल द सेम इन इंटरेस्ट। ऑर्डर एट ए कहता है ऑर्डर वन का रूल एट ए कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट टू पर्सन और बॉडी पर्सन टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। ऑर्डर वन का रूल नाइन कहता है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ऑर्डर वन का रूल टेन कहता है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज वेयर डिफेंडेंट एडिड प्लान टू बी अमेंडेड। नेक्स्ट रूल टेन ए कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। रूल 11 कहता है कंडक्ट ऑफ सूट। ये ऑर्डर वन चल रहा है, ऑर्डर वन जो है ऑर्डर वन कहता है पार्टीज टू सूट। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर 12 पे रूल 12 कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट फॉर अदर्स। और रूल 13 कहता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। दिस इज अ रूल एंड ऑर्डर वन और रूल वन टू थर्टीन। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट्स। ऑर्डर टू इज से अबाउट फ्रेम ऑफ सूट और रूल वन। ऑर्डर टू का रूल वन, ऑर्डर वन टू का रूल टू, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, रिलेनिंग क्विजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, ओमिशन टू सू फॉर वन और सेवरल रिलीफ्स। ऑर्डर टू का रूल थ्री कहता है जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर टू का रूल फोर कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑर्डर टू का रूल फाइव कहता है रूल फाइव क्लेम बाय द अगेंस्ट एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। ऑर्डर टू का रूल सिक्स कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ट्रायल। ऑर्डर रूल सेवन कहता है ऑर्डर टू का ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर टू पे, ऑर्डर थ्री क्या कहता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। ऑर्डर तीन का रूल वन कहता है कि अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाई प्लीडर। ऑर्डर थ्री का रूल टू कहता है रिकॉग्नाइज्ड और एजेंट। ऑर्डर थ्री का रूल थ्री कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ऑर्डर फोर कहता है अपॉइंटमेंट। ऑर्डर थ्री का रूल फोर कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। ऑर्डर थ्री का रूल फाइव कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स के बारे में कहता है रूल थ्री। तो रूल जो है सिक्स कहता है एजेंट टू बी एक्सेप्टेड सर्विस अपॉइंटमेंट टू बी राइटिंग एंड टू बी फिल्ड कोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर फोर पे चलते हैं। ऑर्डर फोर क्या कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में कहता है। रूल वन कहता है सूट टू बी कमेंडेड बाय प्लेंट। नेक्स्ट रूल जो है सेकंड रूल कहता है ऑर्डर फोर का रूल वन कहता है टू कहता है रजिस्टर ऑफ सूट। ये रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट ऑर्डर फाइव पे चलते हैं। ऑर्डर फाइव कहता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। तो इशू ऑफ समन्स, ऑर्डर वन कहता है समन्स। ऑर्डर फाइव और रूल वन कहता है रूल वन समन्स। रूल टू कहता है कॉफी प्लांट एनेक्स्टेड टू समन्स। रूल थ्री कहता है कोर्ट में भी रूल थ्री ऑर्डर फाइव रूल थ्री कहता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपियर इन पर्सन। रूल फोर और ऑर्डर फाइव कहता है नो पार्टी वी ऑर्डर टू अपियर इन द पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद सर्टेन लिमिट्स। रूल फाइव कहता है समन टू बी अदर सेटल इशू फॉर फाइनल डिस्पोजल। रूल सिक्स कहता है रूल सिक्स कहता है ये सारे रूल्स हैं, ऑल आर दीज रूल्स। रूल्स फिक्सिंग डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ऑर्डर फाइव का रूल सिक्स कहता है समन टू ऑर्डर टू डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलीड ऑन बाय हिम। ऑर्डर एट कहता है ऑन इशू समन फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड प्रोड्यूस हिज विटनेस। सर्विस ऑफ समन्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस एंड समन्स। तो ऑर्डर जो है ऑर्डर फाइव ही चलेगा। ऑर्डर फाइव का नाइन कहता है डिलीवरी ऑफ समन्स बाई कोर्ट। रूल नाइन ए कहता है कि समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस। मोड ऑफ सर्विस कहता है रूल टेन। ऑर्डर फाइव का रूल इलेवन कहता है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स।
रूल 11-12 कहता है सर्विस टू बी एंड डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और इन एजेंट। ऑर्डर 5 का रूल 13 कहता है, सर्विस ऑन एजेंट हुम डिफेंडेंट कैरीज और बिजनेस। ऑर्डर 5 का रूल 14 कहता है सर्विस ऑन एजेंट चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑर्डर 5 का रूल 15 कहता है वेयर सर्विस मे बी ऑन अडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडर फैमिली। ऑर्डर 5 का रूल 16 कहता है पर्सन सर्व टू साइन अनोलेजमेंट। एंड ऑर्डर 5 टू रूल 17 से दैट प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। रूल 18 ऑर्डर 5 एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। रूल 19 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर और रूल 19 ओमिटेड। रूल 20 कहता है सब्स्टिट्यूट सर्विस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट सर्विस वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूट टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड। रूल 20A कहता है ऑर्डर 5A रिपील्ड। रूल 21A कहता है सर्विस समन्स वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड्स विन ज्यूरिडिक्शंस ऑफ अनदर कोर्ट्स। रूल 22 कहता है सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स और समन इशूड बाई कोर्ट आउटसाइड। रूल 23 कहता है डाउट ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन्स इज सेंट। नेक्स्ट चलते हैं रूल 24 ऑर्डर 5 कहता है कि सर्विस डिफेंडेंट इन पर्सन। ऑर्डर 5 और रूल 25 कहता है कि सर्विस वी आर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया हैज नो एजेंट। नेक्स्ट रूल 1626 कहता है कि सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। रूल 26A कहता है समन्स टू बी सेंट टू ऑफिसर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। रूल 27A कहता है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटीज। सर्विस और रूल 28 कहता है सर्विस ऑन सोल्जर्स सेलर्स और एयरमैन के बारे में डिस्कस अबाउट सर्विस ऑन सेलर्स ऑन एयरमैन। रूल 29 से दैट ड्यूटी पर्सन टू होम समन्स इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। रूल 30 कहता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेटर ऑफ समन्स। दिस इज ऑर्डर 5 1-5 एंड दिस इज अवर नेक्स्ट ऑर्डर इज 6 प्लीडिंग जनरली इज अ प्लीडिंग एंड रूल इज प्लीडिंग। सेकेंड रूल इज अ प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट और नॉट एविडेंस। रूल 3 इज अ फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। रूल 4 पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। रूल 5 इज अ ओमिटेड। देन रूल 6 इज अ कंडीशनल प्रेसिडेंट। देन वी आर डिस्कसिंग डिपार्चर इन ऑर्डर 9-7 ऑर्डर 6 रूल 7। नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रूल 8। रूल 9 इज अ इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी स्टेट। रूल 10 इज अ मेलाइज नॉलेज एक्सेट्रा। रूल 11 इज अ नोटिस प्लीडिंग इज अ। रूल 6 रूल 11। नेक्स्ट इज अ रूल 12 ऑर्डर 6 एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशंस। नेक्स्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइंड। रूल 14A एड्रेस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। रूल 15 इज अ वेरिफिकेशन। रूल 15 वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। ऑर्डर 6 रूल 16 स्ट्राइक और प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 16 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ऑर्डर 6 रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर 7 इज अ प्लेंट। प्लेंट इज अ रूल। रूल 1 इज अ पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट। रूल 2 इन मनी सूट। रूल 3 इज अ ऑर्डर 7 रूल 3 ऑर्डर 7 रूल 2 ऑर्डर 7 रूल 1 ऑर्डर 7 रूल 4 व्हेन प्लेंटिफ यूज अ रिप्रेजेंटेटिव। रूल 3 वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 5 डिफेंडेंट इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी सोन। ऑर्डर 7 रूल 6 इज अ ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ।
रूल सेवन इज अ ऑर्डर सिक्स और ऑर्डर सेवन रिलीफ टू बी स्पेशली सेटेड. नेक्स्ट रूल एट इज अ रिलीफ रूल. नेक्स्ट रूल रिफंडेंट सेपरेट ग्राउंड्स. रूल नाइन इज अ प्रोसीडिंग एडमिटिंग प्लेट्स प्लेंट्स. रूल टेन इज अ रिटर्न ऑफ प्लेंटिफ. रूल इलेवन इज अ रूल टेन ए पावर ऑफ कोर्ट फिक्स टू डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फिल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न. रूल टेन इज अ पावर. रूल टेन पावर अपीलेट कोर्ट टू. ऑर्डर सेवन ही चल रहा है सब कुछ. ऑर्डर सेवन इज अ ऑर्डर सेवन रूल टेन वी पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट ट्रांसफर सूट प्रॉपर्टी सूट टू प्रॉपर कोर्ट. ऑर्डर सेवन इज अ रूल इलेवन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रूल सेवन. ऑर्डर सेवन इज अ ऑर्डर सेवन रूल थर्टीन वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रीकुलेट प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेट इन प्लेंट्स. रूल फोर्टीन इज अ रूल फोर्टीन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. रूल फोर्टीन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिस सू रिलाइज. रूल फिफ्टीन ऑर्डर सेवन इज अ ऑमिटेड. रूल सिक्सटीन सूट ऑन लॉस्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट. रूल सेवनटीन इज अ प्रोडक्शन ऑफ सोप बुक ओरिजिनलिटी इन टू मार्क एंड रिटर्न. रूल एटीन इज अ ऑमिटेड. ऑर्डर एट इज अ रिटेन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. रूल वन इज अ रिटेन स्टेटमेंट. रूल वन इज अ ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज अ क्लेम्ड और रिलीफ अपॉन बाई हिम. रूल टू इज अ न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेशली प्लीट. रूल थ्री इज अ डेनियल टू स्पेसिफिक. रूल फोर इज अ एवेसिव डेनियल. रूल फाइव इज अ स्पेसिफिक डेनियल. रूल सिक्स इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बी गिवन इन रिटेन स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ. रूल सिक्स ए इज अ काउंटर क्लेम बाई डिफेंडेंट. रूल सिक्स बी इज अ काउंटर क्लेम टू बी स्टेट. ऑर्डर सेवन ऑर्डर एट इज अ एट ऑर्डर एट सिक्स सी कंक्लूजन इज अ काउंटर क्लेम. ऑर्डर एट सिक्स डी इज अ इफेक्ट ऑफ काउंटर क्लेम डिसकंटिन्यू और सूट. ऑर्डर एट सिक्स ई रूल ई ऑर्डर एट डिफॉल्ट प्लेंटिफ टू रिप्लाई काउंटर क्लेम. रूल सिक्स एफ रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड. रूल सिक्स जी ऑर्डर एट रूल रिलेटिंग टू रिटेन स्टेटमेंट अप्लाई. रूल सेवन इज द डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स. रूल एट ऑर्डर एट न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस. रूल एट ए ओमिटेड. रूल नाइन सब्सिक्वेंट प्लेडिंग. रूल टेन प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स प्रेजेंट रिटेन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय कोर्ट. ऑर्डर नाइन इज अ अपीयरेंस पार्टी इन कंसिक्वेंस और नॉन अपीयरेंस. रूल वन पार्टी टू अपियर डे फिक्स्ड ऑफ समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर. नेक्स्ट रूल वन डिसमिसल ऑफ सूट्स वेयर समन्स नॉट सर्व कंसिक्वेंस प्लेंटिफ फेयर टू पे कॉस्ट. रूल टू इज अ वेयर नाइदर पार्टी. ऑर्डर नाइन वेयर नाइदर पार्टी अपियर्स सूट टू बी डिसमिस्ड. रूल थ्री इज अ ऑर्डर नाइन प्लेंटिव में ब्रिंग फ्रेश सूट कोर्ट में रजिस्टर्ड सूट टू फाइल. रूल फोर ऑर्डर नाइन डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिव आफ्टर समन रिटर्न्स अनसर्व्ड फेल्स फॉर वन मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स. रूल फाइव इज अ ऑर्डर नाइन प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिव अपियर. When someone served but not due time. Order 6 is a procedure where defendant appear or one day at joint hearing and assign good cause for the previous non-appearance. Order 9, rule 8, procedure where defendant only appear. Order 9, rule 9, decree against plaintiff by default bars fresh suit. Rule 10 is a procedure in case non-attendance of one or more of several plaintiff. Rule 11 is a procedure in case of non-attendance of one or more several defendants.
रूल 12 इज अ कंसिक्वेंस और नॉन अटेंडेंस विद सफिशियंट कॉज सो और पार्टी ऑर्डर टू अपियर इन पर्सन सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी। रूल 13 इज द सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट रूल 9 रूल। रूल 9 14 नो डिग्री टू बी असेस सेट असाइड नोटिस टू अपोजिट पार्टी। रूल 10 एग्जामिनेशन और पार्टीज बाई द कोर्ट। ऑर्डर 10 रूल 1 इज असर्टमेंट वेदर एलिगेशन इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड। रूल 10 ऑर्डर 1A डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अपोजिट फॉर एनी ओपीटी फॉर एनी मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। रूल 1B ऑर्डर 10 अपीयरेंस बिफोर द कंसिलिएटरी फोरम और अथॉरिटी। रूल 1C ऑर्डर 10 1C अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कंसिक्वेंट टू द फेलर ऑफ द एफर्ट ऑफ कंसिलिएशंस। ऑर्डर 10 रूल 2 ओरल एग्जामिनेशन पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी। ऑर्डर 10 रूल 3 सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी रिटेन। ऑर्डर 10 4 रूल 4 कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। एंड रूल 11 इज द डिस्कवरी ऑफ इंसेप्शंस। ऑर्डर 11 रूल 1 डिस्कवरी ऑफ इंटरोगेटरीज। रूल 2 पर्टिकुलर इंटरोगेशन टू बी सबमिटेड। रूल 3 इज अ कॉस्ट इंटरोगेशन। ऑर्डर 11 रूल 4 फॉर्म ऑफ इंटरोगेटरीज। रूल 5 कॉर्पोरेशंस। ऑर्डर 11 रूल 6 ऑब्जेक्शन टू इंटरोगेटरीज बाय आंसर। ऑर्डर 11 रूल 7 सेटिंग असाइड स्ट्राइकिंग आउट इंटरोगेटरीज। ऑर्डर 11 रूल 8 एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। रूल 9 ऑर्डर 11 फॉर्म एफिडेविट आंसर। रूल 9 एक्सेप्शंस टू बी टेकन ऑर्डर 11। रूल 11 ऑर्डर टू आंसर फॉर फर्दर ऑर्डर 11। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 12। रूल 12 इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 11। रूल 13 एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 11। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 11। इंसेप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर टू द प्लीडिंग एफिडेविट ऑर्डर 11। नोटिस टू प्रोड्यूस ऑर्डर 11। 17 टाइम फॉर इंसेप्शन व्हेन नोटिस गोइंग ऑर्डर 11। ऑर्डर फॉर इंसेप्शन ऑर्डर 11। वेरीफाइड कॉपीज ऑर्डर 11 रूल 19। रूल 20 इज परमेचर डिस्कवरी ऑर्डर 11। रूल 21 नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 रूल 22 यूजिंग आंसर टू इंटरोगेटरीज और ट्रायल। ऑर्डर 11 रूल 23 ऑर्डर टू अप्लाई माइनर्स। नेक्स्ट ऑर्डर 11 ऑल्सो डिस्क्लोजर एंड अबव इज ऑन रूल 11 इज ऑल्सो डिस्कवरी एंड इंसेप्शन ऑल्सो एंड दिस इज ऑर्डर 11 ऑल्सो 11 12। ऑर्डर 11 डिस्क्लोजर डिस्कवरी एंड इंसेप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सूट्स ऑफ बिफोर द कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट्स एंड कमर्शियल कोर्ट। तो रूल 11 इज अबाउट डिस्क्लोजर एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रूल 2 डिस्कवरी ऑफ इंटरोगेटरीज। ऑर्डर 11 टू इंसेप्शंस। ऑर्डर 11 4 एडमिशन एंड डिनाइल डॉक्यूमेंट्स and order 11 5 production of documents and order 11 is electronic records. order 11 7 rules certain provision for the code civil procedure 908 not to apply. next I am talking saying that order 12 admission. rule 1 is the notice of admission of cases. next rule 2 is a notice to admit documents. Rule 2A is a document to be deemed to be admitted if not deny after service notice admit documents. Rule 3 is a form of notice.
Rule 3 is power of court to record it or admission. Rule 4 is a notice of to admit fact. Rule 5 is a form of admission. Rule 6 is a judgment or admission. Rule 7 is the affidavit of signature. Rule 8, notice of producer documents of. Rule 9 is the courts. It's all about the rule 12. Then rule 13 is a production, impounding and return and of documents. Order 13, rule 11, documents, evidence to be produced at before the settlement of issue. Next, order 12, rule 2 is omitted. Order 12, rule 3 is a rejection of irrelevant, irrelevant of inadmissible documents. Rule 4, order 12, endorsement and documents admitted in evidence. Rule 5, order 12, order 13, endorsement on copy admitted entire in book and account and records. Next, I am talking about the rule 6, order 13. Order 13, endorsement on documents rejection in decimal, inadmissible evidence, rule 6. Rule 7 is a recording of admitted returns of rejected documents, order 13. Next, all are order 13. Rule 8 is a count court may order any document to be impounded. Order 13, rule 9, return of admitted documents. Rule 10, order 13, court may send off papers from its own recorded or from other courts. Rule 11, provision as to documents applied to material object. Order 13A, summary judgment. Next, I am talking about rule 1 is a rule 1 scope and classes of suit to which this order applies. Rule 2 is a scope and classes suit to which this order is apply. Order, this is order 11, order 13A. Next, order 13A, say rule 3, ground of summary judgment. Next, procedure, order 13A, procedure summary judgment. Evidence of hearing summary judgment, rule 5, order 13. Order 13A, rule 6, order that may be made by court. Order 13A, conditional order, rule 7. Rule 8, power of impose court, rule 8, order 13A. Next, order 14. Order 14 is a settlement issue and determination of suit and issue of law or on issue agreed. Next, I am saying about rule 1, framing of issue. Framing of issue is a order 14, rule 1, framing of issue. Rule 2, court of to pronounce judgment or all issues. Rule 3 is a material from justice, from issue may be framed. Rule 4 and order 14, court may examine witness or documents before framing. And next, power to amend and strike out issues, rule 5, and order is also 14. Order 14, question number 6 is, rule number 6 is a question or fact of or law may be agreement we set it in form of issue. Rule 7 is order 14, court of satisfy that agreement, court if satisfy that agreement was executed in good faith may pronounce judgment. Order 15 is a disposal of the suit the first hearing, party not issue is a rule 1. Disposal of the suit. Second rule is a one of several defendant not is not at issue. Third is a party at issue. Parties at issue. Disposal of the suit at the first hearing. Parties at issue.
नेक्स्ट फोर्थ इज द फेलर टू प्रोड्यूस एविडेंस देन वी कैन ऑर्डर 15 इज अ से दैट द डिस्पोजल सूट एट द फर्स्ट हियरिंग नेक्स्ट ऑर्डर जो है 15 ए केस मैनेजमेंट हियरिंग फर्स्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग रूल 1 रूल 2 ऑर्डर टू बी पास्ड इन केस मैनेजमेंट हियरिंग रूल 3 इज अ टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल रूल 4 इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ओरल एविडेंस ऑन डे टू डे बेसिस नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज अ केस ऑफ मैनेजमेंट हियरिंग ऑफ ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ नेक्स्ट रूल ऑफ रूल 6 ऑर्डर 15A पावर ऑफ द कोर्ट केस मैनेजमेंट हियरिंग नेक्स्ट अडजमेंट ऑफ केस मैनेजमेंट हियरिंग रूल सेवन ऑर्डर फिफ्टीन ए से अबाउट द रूल 7 एडजमेंट ऑफ केस मैनेजमेंट हियरिंग नेक्स्ट रूल 8 कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर ऑर्डर 16 नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस लिस्ट 1 लिस्ट ऑफ विटनेस एंड समन्स टू विटनेस 1A प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन्स ऑर्डर रूल 2 एक्सपेंस ऑफ विटनेस टू पेड इन टू कोर्ट और अप्लाइंग फॉर समन्स एक्सपर्ट्स स्केल ऑफ एक्सपेंस टू बी डायरेक्टली पेड टू विटनेस नेक्स्ट रूल इज अ 3 ऑर्डर 16 टेंडर ऑफ एक्सपेंस टू विटनेस रूल 4 प्रोसीजर वेयर इनसफिशियंट सम पेड इन रूल 16 टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन्स रूल 6 इज अ समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रूल 7 इज अ पावर टू रिक्वेस्ट पर्संस प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रूल 7 इज अ समन गिव टू पार्टी फॉर सर्विस रूल 8 इज अ समन हाउ टू सर्व रूल 9 टाइम फॉर सर्विंग समन्स इज अ ऑर्डर 16 रूल 10 प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विथ समन्स ऑर्डर 16 रूल 11 इफ विटनेस अपीयर्स अटैचमेंट मे बी विथड्रॉन ऑर्डर 16 रूल 12 प्रोसीजर इफ विटनेस फेल्स टू अपीयर ऑर्डर 16 रूल 13 मोड ऑफ अटैचमेंट और रूल 14 कोर्ट मे बी इट्स ऑन अकॉर्ड समन एज विटनेस स्ट्रेंजर टू सूट रूल 15 ड्यूटी ऑफ पर्सन समन टू गिव एविडेंस ऑफ प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रूल 16 व्हेन दे मे डिपार्ट रूल 17 ऑर्डर 16 एप्लीकेशन रूल 10 टू 13 नेक्स्ट रूल 18 प्रोसीजर वेयर विटनेस अपीरहेंडेड cannot give evidence or produce documents. Rule 19. No witness to be ordered to attend in person unless resident within certain limit. Rule 20 is a consequence of refusal of party to give evidence when called on court. Next is a rule witness to apply to party summoned. Next order is a order 15A. 16A order attendance of witness confined of detained persons rule 1 is a definition rule 2 is the power to require attendance of prisoners to give evidence rule 3 expense to paid into court next rule 4 power of state government to exclude certain persons from the operation of rule 2 rule 5 is the officer in charge of person to abstain from the carrying out order in certain cases prisoner to be brought to in court in custody. Next, Rule 7 is a issue commission for examination of witness in person. Rule 17 is a adjournment. Rule 1 is a order 17 adjournment. Court may grant time and adjourned hearing cost of adjournment. Procedures if parties fail to appear on one day fixed. Court may proceed not with standing either parties fail to produce evidence. नेक्स्ट रूल इज 18 हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन विटनेस तो राइट टू बिगिन रूल 1 हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस रूल 1 इज अ राइट टू बिगिन रूल 2 स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस रूल 3 इज अ एविडेंस वेयर सेवरल इशूज
रूल थ्री पार्टी टू अपियर बिफोर द अदर विटनेस, रूल फोर रिकॉर्डिंग टू एविडेंस, रूल फाइव ऑर्डर एटीन इज अ से अबाउट हियरिंग एंड द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, रूल फाइव सिक्स इज अ वेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रिटेटेड, रूल सेवन इज एविडेंस अंडर सेक्शन 138, सिविल सेक्शन रूल 18, रूल सेवन ऑर्डर 18, दिस इज रिलेटेड टू द 138 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट इज द 8 मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज. नेक्स्ट रूल 9 इज व्हेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश में एविडेंस ली जाए तब क्या. 10 इज एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर मे बी टेकन डाउन. रूल 11 इज क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट टू बी एंड ऑल अलाउड बाय कोर्ट. रूल 12 इज रिमार्क्स एंड डिमेनर ऑफ विटनेस. नेक्स्ट रूल इज रूल 13 इज मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अन एप्लीकेबल केसेस. रूल 14 इज रिपील्ड. रूल 15 इज पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज. रूल 16 इज पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली. रूल 17 इज कोर्ट मे रिकॉल एग्जामिन विटनेस. रूल 17 इज ऑमिटेड एंड रूल 18 इज पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट. रूल 19 इज पावर टू गेट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एंड कमीशन. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट रूल 19 एफिडेविट. वन इज अ रूल. रूल वन इज अ पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाई एफिडेविट. नेक्स्ट रूल टू पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. रूल थ्री इज अ मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड. तो ऑर्डर 19 इज अ रूल थ्री इज अ कन्फाइंड मैटर टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड. रूल 20 इज अ जजमेंट एंड डिग्री. सीपीसी रूल 20 इज अ ऑर्डर एंड जजमेंट एंड डिग्री. रूल 1 इज अ जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड. रूल 2 इज अ पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जजमेंट जज प्रोसीजर. रूल 3 इज अ जजमेंट टू बी साइंड. रूल 4 इज अ जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स जजमेंट फॉर अदर कोर्ट्स. रूल 5 इज अ रूल 5 ऑर्डर 20 कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू. रूल 5A ऑर्डर 20 कोर्ट इनफॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन द केस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर. रूल 6 इज द कंटेंट ऑफ डिग्री. रूल 6A प्रिपरेशन ऑफ डिग्री. रूल 6B कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल. रूल 7 इज द डेट ऑफ डिग्री. रूल 8 प्रोसीजर वेयर जज हैज वोकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिग्री. रूल 9 इज अ डिग्री फॉर रिकवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी. डिग्री फॉर रूल 10 डिग्री फॉर डिलीवरी फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी. रूल 11 और ऑर्डर 20. ऑर्डर 20 इज ऑल रूल इज अ 20 ऑर्डर. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द डिग्री ऑर्डर. ऑर्डर 20. ऑर्डर 20 इज रूल 12 डिग्री ऑफ पोजिशन एंड मीन्स मैसने प्रॉफिट. 12 इज अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल लीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऑर्डर 20 इज अ रूल 13 डिग्री इज अ एडमिनिस्ट्रेशन सूट. ऑर्डर 20 इज डिग्री ऑर्डर 20 रूल. ऑर्डर 20 रूल 14 डिग्री इन अ प्री एग्जम्पशन सूट. ऑर्डर 20 रूल 15 डिग्री इन सूट फॉर ड्यूरेशन पार्टनरशिप. ऑर्डर 20 रूल 16 डिग्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. ऑर्डर 20 रूल 17 स्पेशल डायरेक्शन एज टू अकाउंट. ऑर्डर 20 रूल 18 डिग्री इन सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजिशन ऑफ शेयर देयर इन. ऑर्डर 20 रूल 19 डिग्री व्हेन सेट ऑफ फॉर काउंटर क्लेम इज अलाउड अपील फ्रॉम डिग्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ काउंटर क्लेम. ऑर्डर 20 रूल रूल 20 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिग्री टू बी फर्निश्ड. ऑर्डर 20A दिस इज ऑर्डर 20A कॉर्ट्स प्रोविजन्स ऑफ रिलेटिंग टू सर्टेन आइटम्स कॉस्ट
cause to be awarded in accordance with the rules of made by High Court. Order 21 is a execution degree and orders. Mode of paying money under degree and rule 2, payment out court to degree holder. Next is a rule land situated in more than one jurisdictions, and rule 4, transfer court or small causes. The order 21, mode of this is a order 21. Rule 6, procedure where court decides that its own degree shall be executed by another court. Rule 7 is a court receiving copies of degrees to file same without proof. Rule 8, execution of degree order by court to which it is sent. Rule 9, execution by High Court degree transferred by the court. Application for the execution. Next, Rule 10, application for execution. Rule 11, oral application, written application. Rule 11 is application for arrest to state ground. Rule 12 is application attachment of movable property not in judgment debitor position. Rule 11, application for attachment of movable property content and certain particulars. Rule 14 requires certificate extract from the collector register in certain cases. Rule 15 is order 21, application for execution was joint degree holder. Next, rule 16, application of execution by transferee or degree. Rule 17, procedure on receiving application for execution of degree. Rule 18, execution in case of cross degree. Rule 19 is execution case cross claims under same degree. Rule 20, cross degree and cross claims in small case suit. Rule 21 is a simultaneous execution. Rule 21, notice to show cause against execution certain cases. Rule 21A, sale not be set aside in the date of judgment debitor before the sale of but after of the proclamation of sale. Rule 23 is a procedure after issues or notice. Next, process for execution. Rule 21-24 is a process for execution. Rule 25, endorsement of process. Stay execution. Rule 26, when court may stay execution. Stay execution. 26 rule 20 order 21. Order 21 rule 26, when court stay execution. Power to require security from imposed condition upon judgment debitor. Rule 27 is a liability of judgment debitor discharge. Rule 28, order of court which passed degree or appellate court to be binding upon court appellate number 2. Rule 29, stay execution pending suit between degree holder and judgment debitor. Next, mode of execution is a execution. Rule 30, degree for payment of money. Rule 31, a degree for specific movable property. Next, I am talking about rule 32 is a degree for a specific. Order 21, rule 2032, degree specific performance restitute of conjugal rights for an conjunctions, for an injunctions. Rule 33, discretion of court executing degrees for restitution of conjugal rights. Rule 34 is a degree for execution of documents or endorsement of negotiable instrument. Rule 35, degree for movable property. Rule 36, degree for delivery immovable property when in company of tenant. Next, arrest and donation, detention in the civil prison. Rule 37 is a discretionary power to permit judgment debitor to show cause against detention in prison. Rule 38, warrant for arrest, direct judgment debitor to brought up. Rule 39 is a substance allowance. Rule 40 is a proceeding and appearance in judgment debitor and obedience in notice after arrest. Attachment of property is a rule 41, examination judgment debitor as to his property. Rule 42, attachment in case of degree for rent and means profit or other matter amount which to be subsequently determined. Rule 43, attachment of movable property other than agriculture produce in possession of judgment or debitor. Rule 43, custody of movable property. Rule 44 is all rule is a 21. All rule as are 21 order.
Rule 44 is the attachment of agriculture produce. Rule 45 is the provision as to agriculture produce under attachment. Rule 46, attachment of debt, share and other property in the position of judgment debitor. Rule 46 is the notice guarantee. Guarantee notice 46A. 46A rule and order is a 21. Order against guarantee. Trial of dispute questions. 46D is a procedure where debt belongs to third person. Order 46 is a order regard third person. Order 46F payment of guarantee to be valid discharge. And 46GA cost. 46H appeals. And 46-1 is the application to negotiable instrument. 47 is the attachment of share in movable. 48 is the attachment of salary allowance servant of the government, railway company or local authority. 48A attachment of salary allowances of private employee. 49 is attachment of partnership property. And 50 is the execution of degree against firm. 51 is the rule, attachment of negotiable instrument. 52, attachment of property in custody of court of public officer. Next, 53 is attachment of degree. 54 is the rule of attachment of immovable property. 55, removal attachment after satisfaction of degree. Next is a 56, order for payment of coin currency notes party entitled under degree. 57 is the rule, determination of attachment. Next is adjection of claim and objection. 58 rule is adjection of claims or objection to attachment of property. Next, 59 is stay of escale. Sale generally. Next rule is 44. All is order 21. Rule 64, order 21 is a power to order property attached to be sold and proceed to be paid to a person entitled. 65 is a sales by the whom conduct and how made. 66 is a proclamation sales by the public occasion. 67 is a mode of making proclamation. 68 rule is a time of sale. And 69 rule, adjournment of stoppage of sale. 70 is a repealed. 71 defaulting purchaser and unsurvivable for loss on resale. Rule 72, order 21, decree holder not to be bid for by property without permission. Where degree holder purchase amount on degree may be taken as payment. 72, mortgage not to be bid at sale without the leave of court. 73 is a restriction on binding on purchase by officer sale of movable property. 74 is the sale of agriculture produce. 75 is a special provision relating to growing crops. Next is a 76 and negotiable instrument and share in opportunity corporation. 77 is the rule sale by the public auction. 78 is the rule irregularity not to vitiate sale but not person injured may sue. 79 rule delivery on movable property debt and shares. Rule 80 transfer of negotiable instrument and share. Rule 81 vesting order in case of other property. Next is a sale immovable property. Order 82 is a what courts may order sale. 83 is a postponement of sale to enable judgment debitor to raise amount of decree. Next, 84 is a deposit by the purchaser and resale and default. 85 is a rule, 85 time of payment in full purchase money. 86 is a procedure in default payment. 87 is a notification in resale. Next, 88 a bid of co-share to have preference. 89 is the application to set aside sale and deposit. 90 rule is a application set aside sale on ground of irregularity or fraud. 91 is a rule is a application by purchaser to set aside sale on ground judgment debitor having no saleable interest. Rule 92 is a sale when to become absolute to be set aside. Rule 93 is a return of purchase money in certain cases. Rule 94 is a certificate to purchaser. Rule 95 is a delivery of property in occupancy judgment debitor. Rule 96 is a delivery property in occupancy tenant. Resistance to delivery position to degree holder on purchaser. Rule 97 is a resistance or obstruction to position of immovable property. Rule 98 is a order after adjudication. Rule 99 disposition by degree holder or purchaser. Next is talking about the rule.
हंड्रेड रूल हंड्रेड ऑफ ऑर्डर टू पास्ड अवे रूल हंड्रेड ऑर्डर टू पास्ड अवे अपॉन एप्लीकेशन कंप्लीट कंप्लेनिंग डिस्पोजिशन रूल 41 इज अ क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड रूल 102 इज अ रूल नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफर पेंडिटी लाइट रूल 103 इज ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज डिग्री रूल 104 ऑर्डर अंडर रूल 101 टू रूल 103 टू सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ पेंडिंग सूट रूल 105 हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन रूल 106 इज सेटल सेटिंग असाइड ऑर्डर्स पास्ट एक्स पार्टी एक्सेट्रा नेक्स्ट रूल ऑर्डर 22 डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑन ऑफ पार्टीज नो अबेटमेंट रूल 1 नो अबेटमेंट बाई पार्टी डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स नेक्स्ट रूल 2 प्रोसीजर वेयर वन सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डाइज इन राइट ऑफ स्यू सर्वाइव्स इज ऑर्डर 22 ऑर्डर 22 रूल 3 प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन सेवरल सेवरल प्लेंटिफ्स ऑफ सोल प्लेंटिफ्स Rule 4 procedure in case of death of one several defendant or sole defendant. Rule 4a procedure where there is no legal representative. Rule 5 order 22 determination of question is to as to legal representative. Next rule no. Rule 6 no abatement by reason death after hearing. Rule 7 is a suit not abated by marriage of female party. Rule 8 is when plaintiff insolvency bar suit. Procedure where assignee fails to continue suit or give security. Rule 9 effect of abatement of dismissal. Rule 10 is a procedure in case of assignment before final order in suit. Rule 10a duty of pleader communicate to court or court death of party. Rule 9 is application or of order of appeals. Rule 12 application or order to proceeding. Rule 23 is a withdrawal and adjustment of suit. Rule 1 is a withdrawal suit or abatement of part of claim. Rule 1a when transposition of defendant as plaintiff may be permitted. Rule 2 is a limitation law not affected by first suit. Rule 3 is a compromise suit. Rule 3a bar to suit. Or Rule 3b no agreement compromise to be entered in. Representative suit without leave or court or proceeding to execution of degree not affected. Rule 14 is a payment into court. Rule 1 say deposit by defendant amount in satisfaction of claim. Rule 2 notice of deposit. Rule 3 interest and deposit and not allowed plaintiff after notice. Rule 4 procedure where plaintiff accept deposit at satisfaction in part procedure where he accept it as satisfaction in full next rule order 25 security for cost when rule 1 is a when security for cost may be required from plaintiff rule 2 effect of failure furnish security next order 26 commissions to examine witness rule 1 cases in which court may issue commission to examine witness rule 2 order for commission next I am doing discuss rule 3 where witness resides within court jurisdictions next is rule 4 order 16 person for whose examinations commissions may issue for a commission for examination and person resident within the local limits of the jurisdiction of court Rule 5 is a commission or request to examine witness not within India. Rule 6 is a court to examine witness. Pursuant to commission. 7 rules return of commission with a deposition of witness. 8 is a when deposition. Deposition may be read in evidence. Commission for local investigation. Rule 9 commission to make local investigation rule 10 is a procedure of commission rule 11 rule 10 report and deposition to be evidence in suit next is a commission may be examined in person next is a topic is a commission for the scientific investigation performance of ministerial act and sale of movable property Rule 10A, Order 26. Rule 10A, Commission for Scientific Investigation.
10 V is a commission for performance of ministerial act. 10 C is a commission for the sale of movable property. Commission to examine accounts. Rule 11 is a commission to examine and adjust accounts. Rule 12 is a code to give commissioner necessary instruction. Proceeding and report to be evidence. Court may direct further inquiries. Commission to make partitions. Rule 13 is a commission to make petitions. Partition of movable property. Rule 14 is a procedure of commissioner. General provisions. Rule 15 is the expense of commission to be paid into court. Rule 16 is a power of commissions. Rule 16 is a question object to be before commissioner. Rule 17 is a attendance and examination of witness before commissioner. Rule 18 is a parties to appear before commissioner. Rule 18 is a application order to execution proceedings. Rule 18B is a court to fix a time for return of commission. Important Rule 18B. This is a court time. Court to fix time for return of commission. So this is important sections. Rule 18B. Rule 18B. Order is a order. 26. Order 26 is a rule 18B. Next, rule 19. Cases in which court may issue commission to examine witness. Rule 20, obligation for issue of commission. Rule 21 is a to whom commission may be issued. Rule 22 is a issue execution returns or commission and transmission evidence to. Next is a order 27. Suits by against the government or public offices in their official capacity. So this is a rule 1, suits by against government. Rule 2 is a person authorized to act for government. Rule 3, plans in suits by against government. Rule 4, agent for government to receive process. Rule 5, fixing of a day appearance on behalf of government. Rule 5A. Orders 27, government to be joined as a party in the suit against public officer. Rule 5B, duty of courts in suits against the government or public officer to assist arriving at the settlement. Rule 6, attendance of person able to answer questions relating to suit against government. Rule 7 is a extension of time enable public officer make reference to government. Rule 8 is a prodigy. Rule 8 is a proceeding suits against public officer. Then rule 8, no security to be required from government or public officer in certain cases. Rule 8A, no security to be required from governor, government or public officer in certain cases. Rule 8B is a definition of government and government pleader. Is an important rule 8B. Order is a 27. Next is a 27A order. Suits involving sustainable questions of law as to the interpretations of the constitution or as to the validity of any statutory instrument. Rule 1, notice to the authority general of the advocate general. Next, 1A, procedure in suit involving validity of any statutory instrument. Next, rule 2, court may add government as party. Is a rule. Order 27A, rule 2, court may add a government as a party. Next, 2A, power of court to add government or other authority as a defendant is in a suit relating to the validity of any statutory instrument. Next, cost. 4 is a rule, application of order to appeal. Order 28 is a suits by the against military or navalent or airmen. Rule 1 is a officers, soldiers, sailors, airmen who cannot obtain leave any authorize any person to sue or defend for them. Rule 2, persons so authorized may act personally or appoint pleader. Rule 3 is a service on person so authorized or on his
on a splitter to be good service. Next rule is a rule 29, suits by against corporations. Rule 1 is a order 29. Rule 1, subscriptions and verification of pleading. Rule 2 is service or on corporations. Rule 3 is a power to require personal attendance of the officer corporation. Rule 30 is a suits by for against firm and persons carrying on business in names and other than their own. Rule 1 is suing the partner in the name of firm. Rule 2 is a disclosure of partner's name. Rule 3 is a service. Rule 4, right of the suit death partner. Rule 5 is a notice in what capacity serve. Order 30. Order 30, rule 6, appearance of partners. Order 30 is a rule 7 is a no appearance is accepted by partner. Rule 8 is appearance under protest. Rule 9 is a suits between co-partners. Rule 10 is a suit against person carrying on business in name other than his own. Rule is a 31. Suits by against trustee, executors and administrator. Rule 1 is a representation of beneficiaries. Beneficiaries in suit concerning property vested in trustee. Rule 2, jointer of trustee, executor and administration. Rule 3 is a husband and married executor not to join. Next rule is a 32, suits by against minors and persons of unsound mind. Rule 1 is a minor to sue by next friend. Rule 2 is a where suit is instituted without next friend plan to be taken off the file. Rule 2 is security to be furnished by next friend when so ordered. Rule 3 is a guardian for the suit be appointed by the court for minor defendant. Rule 3 is a decree against minor not be to set aside unless prejudice has been caused to be his interest. Rule 4, who may act as next friend or be appointed guardian for the suit. Rule 5, representation of minor by next friend or guardian for the suit. Rule 6 is a receipt by next friend or guardian for the suit of property under decree for minor. Rule 7 is the agreement of compromise by next friend or guardian for the suit. Rule 8 is the retirement of the next friend. Rule 9 is removal from next friend. Rule 10 is a stay or proceeding or removal etc. of next friend. So this is all CRPC, CPC rule. CPC is a rule 32. So then next is a rule 11 is a retirement, removal or death of guardian for the suit. Rule 12, course to be followed by the minor plaintiff or applicant and attending majority. Next rule 13 is a where minor co-plaintiff attaining majority desire to repudiate suit. Rule 14 is unreasonable or rule 14 in a 14 unreasonable improper suit. Rule 15 is rules 1 to 14 except rule 2a apply to person of unsound mind. Next rule is a rule 16 70 savings. Order next order is a 32A. It means 32A order. Suits relating to matters concerning the family. Rule 1 is the application of the order. Rule 2 is a proceeding to be held in the camera. Rule 3 is a duty of court to make effort to settlement. Rule 4, assistant of welfare expert. Rule 5, duty to inquiry into fact. Rule 6, family meaning of. Order is a 33, suits by indigent person. Suit may be instituted by indigent person. Rule 1A, inquiry into the means of indigent person. Rule 2 is a contents of application. Rule 3 is a presentation of application. Rule 4 is the examination of applicant. Rule 4, if present by the agent, court may order applicant to be examined by the commission. Rule 5 is the rejection of application. Rule 6 is a notice of day of receiving evidence of applicant or indigency. Rule 33 rule 6 is a notice of day receiving evidence of applicant indigency. Order 33 is a 7 procedure of hearing. Rule 8 is a procedure if application admitted.
रूल 9 विड्रॉ ऑल परमिशन टू सू एज अ इंडिजेंट पर्सन, रूल 9 ए कोर्ट्स टू असाइन अ प्लीडर टू अ अनप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन, रूल 10 इज अ कोर्ट्स वेयर कॉस्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड, रूल 11 प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन फेल, रूल 11 प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन सूट अबेट्स, रूल 12 स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, रूल 13 इज अ स्टेट गवर्नमेंट टू बी डीम्ड पार्टी, रूल 14 इज अ रिकवरी अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस, रूल 15 इज अ रिफ्यूजल अलाउ एप्लीकेंट सू एज इंडिजेंट पर्सन टू बी बार सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर, रूल 15 इज अ ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, रूल 16 कॉस्ट, रूल 17 इज अ डिफेंस बाई इंडिजेंट पर्सन, और रूल 18 इज अ पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट फॉर फ्री लीगल सर्विस टू इंडिजेंट पर्सन. नेक्स्ट ऑर्डर इज अ 34. ऑर्डर 34 सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्टगेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी. रूल 1 इज अ पार्टी टू सूट फॉर द फोर क्लोज.